ना, ऐसा ऐसा लगता है कि हर बैटर जो है पाकिस्तान का, उसकी बॉडी लैंग्वेज ना शाहनवाज धानी जैसी होनी चाहिए. मतलब द काइंड ऑफ बॉडी लैंग्वेज जो शाहनवाज धानी की थी इस मैच के दौरान, वो वाला कॉन्फिडेंस चाहिए ऊपर से लेके नीचे तक सारे बैटर्स. देखें, डेफिनेटली बॉडी लैंग्वेज का तो खेल है सारा. एक होता है कि आज हम मैच जीतेंगे, एक है कि आज मैंने मैच जीतना है, तो उसमें बॉडी लैंग्वेज का फर्क है. तो मेरे ख्याल में सवेरा जो आप बात कर रहे हो बिल्कुल ठीक कर रहे हो. हमें सबको जो है ना वो बॉडी लैंग्वेज, किसी एक का गेम नहीं है. 11 लड़के 11 के 11 में से, हम ये नहीं कहते कि 11 के 11 परफॉर्म करें, करते हैं उसमें कमी है, लेकिन जो 11वां भी होगा उसकी भी थोड़ी बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं लाजमी नजर आनी चाहिए और होती है. All right, सवेरा, आज का मैच जो एक दिन के ब्रेक के बाद एशिया कप एक बार फिर से अब वापस आया है, अफगानिस्तान का मुकाबला होना है बांग्लादेश के साथ, और बहुत कम ऐसा होता है कि इस ऐसे मैच में अफगानिस्तान विल बी स्टार्टिंग एज द फेवरेट्स, बिकॉज अब ऐसा लग रहा है खासतौर से अफगानिस्तान की जो बॉलिंग है वो अब ट्रांजिशन के दौर से गुजर रही है, और जो उनके वो दो नए बॉलर आए, क्या नाम है जी, फजल हक फारूकी और नवीन उल हक. Do you really think that Afghanistan is starting as the favorites aaj ke match mein against Bangladesh? Definitely Adi, they're starting definitely as favorites. Ek to sabse pehle jo hum abhi pehle baat kar rahe the body language ki, jo attitude hai na is waqt team Afghanistan ka, kal main practice session ke liye bhi thodi der ke liye aayi thi jab Afghanistan ne yahan pe practice ki thi, bahut itna positive attitude hai, itna self belief hai un ladkon mein, jis tarah press कॉन्फ्रेंस में नबी से बात हुई थी, जिस तरह कल राशिद खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की है, दे सो सॉर्टेड एंड सो कॉन्फिडेंट, दे नो व्हाट दे आर डूइंग. उनसे मुसलसल जो भी उनसे बात हुई, उनको पता है उनका प्लान क्या है. इनफैक्ट मैं पहले भी शायद मैंने यहाँ मेंशन किया था कि जब नबी से हमने बात की थी तो नबी ने यही कहा था कि हम सिर्फ यहाँ एशिया कप अटेंड नहीं करने आए हैं, हम सिर्फ एशिया कप का हिस्सा नहीं बनने आए, हम एशिया कप जीतने आए हैं. और जब ये पैशन और ये डेडिकेशन हो और इतने सॉर्टेड हो माइंडसेट, तो मुझे लगता है कि बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स बन जाती है वो. लाला, उमर गुल उनके बॉलिंग कोच हैं और उसका एक जाहिर है एक इम्पैक्ट नज़र आ रहा है, पिछले कुछ हफ्तों से उमर गुल इनके साथ अटैच रहे हैं, और एज अ प्लेयर भी उमर गुल आपकी कैप्टनसी में भी काफ़ी खेले हैं. T20 तो उनकी बड़ी स्पेशलिटी रही है, आई थिंक अपने ज़माने के T20 के वो नंबर वन बॉलर रहे हैं, स्पेशली आखिर के ओवर्स में. आई थिंक बुलडोजर आखिरी के ओवर्स, तो आई थिंक उमर गुल वाज वेरी रिलायबल. आई थिंक बड़ी जबरदस्त चॉइस रही उनके लिए अपने कोच सेलेक्ट करने के लिए, कि लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम नहीं होगा ज़ाहिर है ज़्यादा के साथ, और वो स्किल उमर गुल ट्रांसफर कर सकते हैं इन बॉलर्स को जो कर रहे हैं ऑलरेडी. गुली ने अपने लेवल पे बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेली है, मेहनत ही रहा है हमेशा से, मोटिवेट करता है लड़कों को, और ये जो कोचिंग का रोल है मेरे ख्याल में ये उसको सूट करता है. जबान जो आपने बात की है, जबान उसका बड़ा फर्क पड़ता है. और देखें, असल चीज ये कि कोच तो आपके साथ बता देगा प्लान्स, तो आप तीन तीन चार चार घंटे की मीटिंगें कर लें, ठीक है. असल चीज होता है प्लान का एग्जीक्यूट करना, और वो प्लेयर्स का काम होता है. कोच बाहर बैठ के नहीं कर सकता, कोच आपको मोटिवेट कर सकता, करा सकता है, अच्छी प्रैक्टिस से करा सकता है, करना 11 लड़कों ने जो ग्राउंड के अंदर है. एब्सोल्युटली लाला, यहाँ पे अभी हम वैसे थोड़ी देर में ब्रेक में जाना है, लेकिन नहीं उससे पहले शाहीन के हवाले से आपके पास क्या अपडेट है? अचानक अब पीसीबी ने डिसाइड किया है कि उनको अब लंदन भेज रहे हैं. अच्छा, इतना ट्रैवल करवाया, नेदरलैंड्स भी, दुबई भी, नेदरलैंड्स में तो ये भी था कि शायद वो खेल भी रहे हो पाकिस्तान टीम के लिए, नाउ सडनली अनाउंसमेंट आई है कि वो लंदन जा रहे हैं. कुछ कन्फ्यूजन पीसीबी के एंड से आपको लग रहा है या नहीं? आई थिंक वो वक्त के साथ साथ सही देख के चल रहे हैं. मेरे ख्याल में देखें, उनकी अपनी फिजियो की एक टीम है पीसीबी की, उनके जो क्लिफ है वो लुक आफ्टर कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में लुक आफ्टर हो सकता है कि ठीक तरीके से हो ना रहा हो, जिसकी वजह से इंग्लैंड भिजवाया जा रहा है. मेरे ख्याल में ये हो सकता है. कुछ मिसहैंडलिंग वाला एलिमेंट तो आपको यानी नहीं लग रहा है इसमें? लग रहा है कि मिसहैंडल कर दिया है ये केस 1.5 महीने बाद, फिर अगर उसी वक्त हम लंदन में भेज देते, वो बड़े अच्छे डॉक्टर्स के पास भेज रहे हैं, तो शायद अब तक शाहीन तो अपनी रिहैबिलिटेशन के आखिरी स्टेजेस पे होते. देखिए, इंजरीज जो है उनको लाइट नहीं लेना चाहिए, अगर आप अच्छी लुक आफ्टर नहीं कर रहे तो वो चीज़ बढ़ती रहती है. तो मेरे ख्याल में क्लिफ ने अपनी तरफ से कोशिश की होगी, नई चीज़ समझ आ रही होगी, ज़रूरी नहीं है. अब मेरे ख्याल में इंग्लैंड ज़ैफ है उनके पास गए, जो कि उनके बारे में मैंने सुना है कि वो काफ़ी एक्सपीरियंस है, वहाँ पे फुटबॉल टीम्स के साथ भी करते हैं, काम करते हैं. जी हाँ, फुटबॉल टीम वो वहाँ पे क्रिस्टल पैलेस के साथ होते हैं, वो जो प्रीमियर लीग का क्लब है. बिल्कुल ठीक हो गया जी.
सो हम बात कर रहे थे लाला शाहीन आफरीदी की इंजरी के हवाले से एंड ऑल, और बहरहाल आई थिंक ये डिस्कशन तो आने वाले दिनों में जारी रहेगा। वैसे एक बात मैं जो और जानना चाह रहा हूँ, ज़ाहिर आपकी उनसे बात होती रहती होगी, क्या वाकई वो बहुत, बिकॉज वो एक ब्रेस पहने हुए हैं अपने नी में, क्या वाकई चलने में बहुत डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं, यानी उनको चलने में पेन हो रहा है, या वो एक कहना चाहिए कि प्रिकॉशनरी उनको एहतियातन जो है वो ब्रेस पहनाया हुआ है? देखिए ब्रेस जो है वो तो जब आप ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, कहीं वॉक कर रहे हो तो उस वक्त आप पहनते हो, ठीक है ना, जब लोड थोड़ा सा आप उठाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं होगी। ज़्यादा अपर बॉडी की ट्रेनिंग आप करते हो, लोअर नी पे ज़्यादा जोर वाली एक्सरसाइजेज नहीं करते, लेग्स नहीं करते आप, लेकिन यह है कि अच्छी फिजियोथेरेपी हो, अच्छा रिहैब हो उसका, आई मीन के इंग्लैंड गया तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि वहाँ पे अच्छा लुक आफ्टर होगा उसका इंशाल्लाह। बिल्कुल, और सब रेगुलरली जो है वो ब्रेस नहीं पहन रहे शाहीन, क्योंकि शाहीन जो है वो पाकिस्तान इंडिया के मैच में अवेलेबल, मतलब अवेलेबल एज इन वो आए थे मैच देखने के लिए, एंड बिल्कुल मतलब ब्रेस उस वक्त नहीं पहना हुआ था, ही वाज फाइन विद दैट, व्हिच मींस कि शायद स्ट्रेस ना आए, ज्यादा स्ट्रेन ना पड़े, इस वजह से वो ब्रेस पहन रहे, वरना अदर देन दैट मुझे नहीं लगता कि जरूरत। अच्छा सवेरा दुबई की जरा विकेट, बिकॉज आप वहाँ पर मौजूद हैं, ज़ाहिर है क्रिकेटिंग सर्कल्स जो जर्नलिस्ट वगैरह हैं आप उनके साथ एनालिस्ट भी वहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं, दुबई की विकेट जिस तरीके से बिहेव कर रही है, क्या एक्सपेक्टेशंस, क्या लग रहा है, क्या ये बातें हो रही हैं? एक तो नंबर वन टीमें भी सरप्राइज हैं, अफगानिस्तान ने पहले मैच में भरपूर फ़ायदा उठाया था विकेट में, जो स्विंग उनको अवेलेबल था, फिर इंडिया पाकिस्तान के मैच में भी हमने जो है विकेट में बाउंसिंग, सवेरा वी हैव लॉस्ट देयर, बट लाला हमने में से पहले भी बात की थी दुबई की इस विकेट के इस मिजाज ने सरप्राइज तो हम किया होगा, बिकॉज इससे पहले तो यूएई में आपने बहुत क्रिकेट खेली है, मुझे नहीं याद पड़ता हमने कभी इस तरह की विकेट देखी होगी कि जहाँ पे एक तो ग्रीन टेंच उन्होंने छोड़ी हुई है और दूसरा ये कि उस पर बाउंस काफ़ी आखिरी सेकेंड इनिंग में भी जो है वो बाउंस और थोड़ा बहुत सीम मिल रहा था। अच्छा दिल होता यह है कि जब इस तरह की चार पांच टीमों का टूर्नामेंट हो एंड देन फिर आपके पास तीन से चार पिचेस हो, उसी पे ये टूर्नामेंट आपने जब खत्म करना होता है तो शुरू में जो पिचेस बनती हैं उस पे ग्रास छोड़ा जाता है एंड देन फिर वो खेलते खेलते मैचेस उसके ऊपर देन वो थोड़ा सा अपने स्टाइल में दोबारा आ जाती है, जिस तरह की दुबई की अबू धाबी वगैरह शारजा की पिचे होती है उस पोजीशन में आ जाती है, क्योंकि टूर्नामेंट बड़ा है इन्हीं तीन पिचेस पे, तीन या चार से मेरा बेहतर आपको बताएगी इन तीन पिचों पे इसको भी बनाया है, या आप आगे के मैचों में देखेंगे और बेहतर होगा। आज का मैच बाय द वे शारजा में होना है, तो शारजा की तो विकेट वो तो हमेशा से ग्राउंड भी छोटा है एक तो, और शारजा की विकेट ने हमेशा एक ही तरीके से बिहेव किया है, वो तो मेरे ख्याल से एक तरह की वो सोनी विकेट होती है, बिल्कुल लो रहता है बॉल वहाँ पे, स्किट करता है बॉल वहाँ पे, बाउंड्री आराम से चौके के लिए बॉल ट्रेवल नहीं करता वहाँ, ज्यादा छक्के मतलब बिग शॉट ज्यादा लगते हैं, तो लेट्स सी, देखेंगे आप भी देखेंगे मैं भी देखूंगा इंशाल्लाह आज।